कैबिनेट की बैठक मिली और कैबिनेट की बैठक बाद थोड़ी कजवार में राज्य कक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल के जो प्रेस कॉन्फरेंस करवाना छे। કેબિનેટની બેઠક મળી કેબિનેટની બેઠકમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી। રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ થોડીક જ વારમાં પત્રકાર પરિષદ કરશે। કોઈ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવે તેવી પણ પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ અત્યારે સેવામાં આવી રહી છે। तो दर अठवाडिये बुधवारे कैबिनेट की बैठक मळती होय छे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा विचारणा करवामां आवती होय छे। जे गुजरातना मुद्दाओ छे तेने लईने पण चर्चा थती होय छे। त्यारे आजे कैबिनेट की बैठक बाद हवे राज्य सरकारना प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल के जेओ थोड़ीक ज वारमां प्रेस कॉन्फरेंस में संबोधन करवाना छे। ऋषिकेश पटेल थोड़ीक ज वारमां कोई मोटी जाहेरात करे तेवी पण संभावनाओ अत्यारे सेवामां आवी रही छे। दर बुधवारे कैबिनेट की बैठक मळती होय छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक मळी। कैबिनेट की बैठक में गुजरात ने लगता तमामे तमाम मुद्दाओं ने लईने चर्चा करवामां आवती होय छे। खेडूतोने लईने चर्चा करवामां आवती होय छे। शिक्षण विभाग ने लईने चर्चा करवामां आवती होय छे। त्यारे आजे कैबिनेट की बैठक मळ्या बाद हवे प्रेस कॉन्फरेंस करवामां आवी रही छे। राज्य सरकार ना प्रवक्ता गुजरात सरकार द्वारा एक महत्वनो वहीवटी निर्णय लेवामां आव्यो छे। 31/3/2023 सुधीना तमाम परिपत्रो ठराव संकलित करी विषयवार योजनावार अने विभागवाइज जीआर ठराव बहार पाडवामां आवशे के जेमां सनसेट क्लोज उमेरवामां आवशे जेथी एकज परिपत्र वर्षो सुधी चाले नहीं परंतु एनी अवधि 3 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष ए नक्की कर्या पछी कोई नवी जोगवाई उमेरवानी थाय तो ए जोगवाई उमेर्या पछी नवी तारीख थी ए ठराव पण बहार पाडवामां आवशे जेथी करी अने क्यांय कोई कन्फ्यूजन उभू ना थाय अने विभागवार दरेक विषयना आपणने ए ठरावो ने परिपत्र मळी रहे अने साथे साथे एफएक्यू फ्रीक्वंटली आस्क क्वेश्चन्स के जे सामान्य रीते सामान्य जनना विषय मगजमा जे विषयो आवता होय जे प्रश्नो उद्भवता होय एवा प्रश्नोनी यादी करीने पण विभागनी वेबसाइट उपर मूकवामां आवशे अने एनी ताबानी कचेरीओने पण आपवामां आवशे जेथी लाभार्थीओना मनमां उभा थता प्रश्नोना पण जवाब अने एने मार्गदर्शन त्यांथी ज मळी रहे ए प्रकारनो एक निर्णय करवामां आव्यो छे। साथे साथे मित्रो एक आपने पण जाणीने खूब आनंद थशे के उत्तरायण दरमियान करुणा अभियान जे आपणे चालू कर्युं छे आम तो छेल्ला वर्षोथी चालू कर्युं छे परंतु आ वखते उत्तरायण अभियान दरमियान जीवदया करुणा अभियान में आ वर्षे 865 थी वधारे पक्षी निदान केन्द्रों 750 थी वधारे तबीबों तथा 8000 थी वधारे स्वयंसेवकोए खड़े पगे कार्यरत रही पक्षीओने बचावानुं सराहनीय कार्य कर्युं छे। तदउपरांत 333 जेटली एनजीओए वन विभाग साथे मळी आ समग्र कामगीरीने खूब सरळ करी छे। राज्य सरकार द्वारा एनजीओ सेवाभावी संस्थाओ तबीबों आ उमदा कामगीरी माटे प्रमाणपत्र आपी आ तमामनुं सन्मान करवामां आवशे। करुणा महाअभियानमां 2023मां 10/1/23 थी तारीख 16/1/23 सुधीमां राज्यभरमांथी 9523 घायल पक्षीओने सारवार आपवामां आवी छे जेमांथी कुल 8546 एटले के 90% पक्षीओने संपूर्ण बचावी लेवामां आपणने सफळता मळी छे। ने साथे साथे मित्रो जे हमणा आपना अने प्रिंट मीडिया में वारंवार व्याजखोरोनो विषय अने व्याजखोरो सामेनी झूंबेश खूब सारी रीते अने केटलाय लोको जे खूब मोटा व्याजथी जे नाणा लीधेला होय तेमने बचावानुं काम पण विभाग द्वारा खूब सराहनीय रीते करवामां आव्युं छे। एनी मेगा ड्राइव द्वारा
राज्यभरमां व्याजखोरो विरुद्ध 5 जान्युआरी चाली रहेला मेगा ड्राइवमां 2 अठवाडियामां 1,077 सामे गुना दाखल कर्या छे, 699 धरपकड करी छे अने 643 जेटली एफआईआर आपणे दाखल करी छे। अने तारीख 17 जान्युआरी सुधीमां राज्यभरमां 1,369 जेटला लोक दरबार पण गृह विभाग द्वारा योजवामां आव्या छे। बीजो एक विषय वारंवार स्कूलोनी रिपेरिंग ओरडानी घट आ वारंवार आपणी सामे आवतो हतो, परंतु कोरोना काळमां आ कामगीरी थोड़ी स्थगित हती, परंतु हवे ए झड़पथी मुहिमना स्वरूपे लई मार्च 2020 थी 21 सुधी आवी प्रवृत्तिओ आपणे करी शक्या नहोता, परंतु 30/4/2022 सुधीमां राज्यमां 21,000 वर्ग खंडोनी घट ऊभी थई हती। आ 21,000 नवा वर्ग खंडो बांधवा माटे कार्यवाही युद्धना धोरणे हाथमां धरवामां आवी छे, जेना भागरूपे अत्यार सुधीमां अंदाजे 10,000 नवा वर्ग खंडो बांधवा तथा 21,000 वर्ग खंडो रिपेर करवा माटेनो वर्क ऑर्डर इश्यू करवामां आव्यो छे अने कामगीरी हाल चालू छे। वर्ष 2022 दरमियान नवा 1,968 वर्ग खंडोनुं बांधकाम अने 3,990 वर्ग खंडोनुं रिपेरिंग आपणे पूर्ण करी शक्या छीए। आप सौने आनंद थशे के हवे परीक्षाओ खूब नजीकमां छे अने नजीकमां परीक्षाओ होय एटले विद्यार्थीओ अने अभिभावको खूब बधा टेन्शनमां रहेता होय छे, अने एमां पण 10मुं अने 12मुं धोरण के जे केरियर माटे खूब महत्वना गणाता बंने वर्गोनी अंदर ज्यारे अभिभावको पण परेशान होय छे, बाळक केवुं परफोर्मन्स करशे, विद्यार्थीओना मनमां होय के हुं माता पिता अने समाजनी अपेक्षाए खरो उतरी शकीश के नहीं, एवी खूब बधी बीकनी वच्चे आ परीक्षा आपता होय छे। एना कारणे क्यांक बीकमां क्यांक विद्यार्थीओ पण जो रिजल्ट सारू ना आवे तो एमां आपघात करता जोवा मळे छे अने केटलाय मानसिक दर्दना शिकार पण बनता होय छे। एवा समये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबे समग्र देशमां एक मुहिम अने एक अभियान चलावी परीक्षा पे चर्चा, एटले साइकोलॉजिकल प्रेशरमांथी निकळवा माटे विद्यार्थीओ साथे एमना अभिभावको साथे ए चर्चा करता होय छे अने ए चर्चा जे करी छे अने विद्यार्थीओ माटे अने एमना माता पिताओ माटे एमना वालीओ माटे पण एक्जाम वॉरियर नामनुं पुस्तक प्रकाशित थयुं छे। ए पुस्तक अभिभावको सुधी पहोंचे विद्यार्थीओ सुधी पहोंचे एना माटे गुजरात सरकार पण ए पुस्तकोनुं वितरण पण करी रही छे। त्यारे आ समग्र परीक्षा पे चर्चा वाला विषयनी अंदर पण 23/1/2023 सुधीमां दरेके दरेक शाळामां चित्रकामनी परीक्षा लेवाय, बिल्कुल बिन राजकीय प्लेटफॉर्म उपर आ वात अने विषय आपणे समाज जीवननी अंदर लई जवा मांगीए छीए अने साथे साथे आ आखू जे प्लेटफॉर्म बनशे एनी ज्यूरी छे एना मुख्य मेहमानो छे ए विविध क्षेत्रोना निष्णातो एवाने बोलावी अने आ चित्रकामनी परीक्षानुं आपणे आयोजन कर्युं छे अने साथे एमांथी जे आगळ आवता विद्यार्थीओ 4-5 नंबर सुधीना विद्यार्थीओ अने हवे तो कदाच 10 नंबर सुधी पण आपणे इनामो आपवानी व्यवस्था अने पार्टिसिपेशन करवावाळा विद्यार्थीओने पण प्रोत्साहित करवा माटे एनुं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पण आपणे आपवाना छीए। आम समग्र देशनी अंदर परीक्षा पे चर्चा एक विद्यार्थीओ माटे अने वालीओ माटे खूब मार्गदर्शन मळी रहे एवी जे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब द्वारा करवामां आवी रही छे एने गुजरातमां पण मोटा फलक उपर आ विद्यार्थीओ सुधी अने वालीओ सुधी पहोंचे एनो गुजरात सरकार प्रयत्न करी रही छे। अने साथे साथे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बहु चर्चामां छे, समग्र देशभरमां नवी एज्युकेशन पॉलिसी अमलमां लावा माटेनो दरेक राज्य सरकार अने एमां गुजरात सरकार पण एमां आगळ रही अने आ पॉलिसी अमलमां लावा माटे क्रमशः पगला लई रही छे। एमां भारतनी राष्ट्रीय शिक्षण नीतिना अमलीकरण माटे एक समग्र लक्षी व्यूहरचना सारी रीते संकलित कार्य योजनानी आपणने जरूर देखाय छे अने एना अमलीकरण माटे पण शिक्षण विभाग द्वारा विविध पगला लेवामां आव्या छे। एनईपी 2020 मां
दर्शावेला ध्येयो उद्देश्य अनुसार कार्य करवा माटे गुजरात एनईपी सेल विविध टास्क फोर्स समितिओनी रचना करवामां आवेल छे अने तेओने कामगीरी सौंपवामां आवेल छे। आमां एक जो महत्वनो विषय होय तो अंदाजित 45 युनिवर्सिटीओए नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरी पोर्टल पर एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट माटे नोंधणीनी प्रक्रिया पूर्ण करेल छे। तेमज डिजी लॉकर पर राज्यनी युनिवर्सिटीओ द्वारा विद्यार्थियोंनी मार्कशीट अपलोड करवामां आवे छे। घणी वखते आपणे जोवा मळे छे के ज्यारे मार्कशीट अथवा तेना सर्टिफिकेशन ना खराई करवा माटे कोई परदेश में होय राज्य में होय के राज्य बहार पण ज्यारे आ वेरिफिकेशन नो विषय आवे एवा वखते खूब समय लागतो होय छे। परंतु तमाम युनिवर्सिटीओ पोते पोताना लॉकर उपर पाछला 30 वर्ष अने चालू विद्यार्थियोंनी मार्कशीट एने अपलोड करी अने कोई पण जग्याएथी दुनियाना कोई पण खूणामांथी ए युनिवर्सिटीनी एनी मार्कशीट अथवा तो एना सर्टिफिकेट एने चेक करवायो तो विदिन ना मोमेंट ए तरत चेक करी शके अने खूब झड़पथी ए वेरिफिकेशन करी शकाय एनी व्यवस्था करवामां आवी छे। राज्यनी विविध युनिवर्सिटीए मल्टीपल एंट्री एक्जिट ने समर्थन आपवा माटे अभ्यासक्रम में विविध वैकल्पिक विषयों पण उमेरवामां आव्या छे अने साथे साथे मित्रों एमां कोईपण विद्यार्थी कोईपण कारणसर अभ्यास छोड़े त्यारे 2-3 वर्ष पछी पुनः एडमिशन कॉलेजो आपती नथी। परंतु आमां विद्यार्थीने पुनः अभ्यास माटेनी पोतानी अनुकूलताए मानो के कोईए कोई फेकल्टी में अभ्यासक्रम में प्रवेश लीधो छे 2-3 वर्षे भणी शके एवी परिस्थिति नथी अने ए अभ्यास छोड़ी दे छे तो एने एक्सिट नी परमिशन अने 2-3 वर्ष पछी पण एने जो एमां अभ्यास करवो होय तो एनी एंट्री नी व्यवस्था पण आपणे करेली छे। आम नवी जे आपणी एज्युकेशन पॉलिसी माटे खूब सारी रीते अत्यारे राज्य सरकार कामगीरी करी रही छे। कार परिषद अंदर अने अंग्रेजी नी अंदर भणावामां आवतुं होय त्यारे बन्ने ऑप्शन एना माटे खुला रहे छे। जी अत्यारे तो मातृभाषानो विषय छे आम तो आ विषय आपे जे कह्यो के अंग्रेजी अने गुजराती बन्ने विषय नी अंदर बुक्स अंग्रेजी में पण अवेलेबल हशे अने गुजराती में पण अवेलेबल हशे एटले अत्यारे टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा नी अंदर जे आपणे भणावीए छीए एटले एमां गुजराती में पण आपणे भणावीए छीए अने अंग्रेजी में पण जेने भणवू होय तो एना माटेनी बुको अवेलेबल होय छे। बैंको द्वारा अपातु धिराण ए सर्टन कंडीशन्स अने आरबीआई नी गाइडलाइन प्रमाणे अपातु होय छे एना આપે કહ્યું કે જે લોન મળવામાં મોડું થાય છે આ બાબતની ધ્યાન કુમારભાઈએ આદરણીય મુખ્યમંત્રીને પત્ર દ્વારા જણાવ્યું છે અને એમાં કેવી રીતે સુગમતાથી આ લોન મળી શકે એ બાબતનો વિષય અને વિગતવાર ચર્ચા કર્યા પછી અને ઇઝી પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય સરકાર ચોક્કસ વિચારી રહી છે। એટલા માટે તો મેં કહ્યું એ જ વિષય કહ્યો કે જે જે મુશ્કેલીઓ અત્યારે તમને અનુભવાતી હોય અને આવા કેટલાક કિસ્સાઓ લોન લીધી હોય લોન માગી હોય કેટલાકને લોન મળે જ છે અને બજેટ પણ લગભગ વપરાતું હોય
तो एमा विशेष करी झड़पथी केवी रीते आ लोन मळी शके ए विषय सरकार सरळताथी मळी शके अने भविष्यनी अंदर पण जे निमणूकोना विषय छे सरकार चोक्कस ए विचारी अने ध्याने लई अने आगामी समय में जरूरी कार्यवाही चोक्कस करशे।